हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने आप सभी को अपनी कम्युनिटी पोस्ट द्वारा बताया था कि मैं रॉन्ग टर्न सीरीज की फिल्मों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा और ये एक्सप्लेनेशंस एक कोलैबोरेशन में होंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ कोलैब कर रहा हूँ अपने दोस्त अभिषेक के साथ, जिनके चैनल का नाम है घोस्ट सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको रॉन्ग टर्न सीरीज की पहली तीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन दूंगा और इस सीरीज की बाकी बची मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, रॉन्ग टर्न एक स्लैशर हॉरर जॉनरे की फिल्म है जिसके कुल मिलाकर 6 पार्ट्स बन चुके हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्लैशर एक ऐसी जॉनरा है जिसकी फिल्मों में हम कुछ साइकोपैथ्स को कत्ल करते हुए देखते हैं। फिल्मों में जो कत्ल होने वाले सीन्स दिखाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर और घिनौनी होती है, जिनमें कातिल अक्सर ब्लेडेड टूल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। हाल ही में मैंने हैलोवीन फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन किया था और वो भी एक स्लैशर जॉनरे की ही फिल्म थी। नाउ वी टॉक अबाउट रॉन्ग टर्न सीरीज, तो इस पूरे सीरीज को एलन बी मैकएलरॉय ने क्रिएट किया है, लेकिन मूवी के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। इस सीरीज की पहली फिल्म सन 2003 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है रॉन्ग टर्न और इस फिल्म को रॉब स्मिथ ने डायरेक्ट किया है। आईएमडीबी पे रॉन्ग टर्न को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 41% फ्रेश। फिल्म की शुरुआत में हम रिक स्टॉलकर और हैली स्मिथ नामक कॉलेज स्टूडेंट्स को वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रॉक क्लाइंबिंग करते देखते हैं। जब रिच पत्थरों के ऊपर पहुंचता है तो अचानक कोई उसे जान से मार देता है और इससे पहले कि हैली कुछ समझ पाती, कोई उसे उसकी रोप्स की मदद से ऊपर खींचने लगता है। हैली अपने रोप्स को कट करके नीचे गिरती है और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों हैली के रास्ते में किसी ने नुकीले ट्रैप्स लगाए थे जिससे हैली फंस कर गिर जाती है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई हैली को खींचता है और इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि शायद इस अनजान शख्स ने हैली को जान से मार डाला होगा। इसके बाद मूवी की इंट्रो आती है जिसे गौर से देखने पे हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया में कई लोग मिसिंग हैं। इतना ही नहीं, हमें इस इंट्रो में किसी टाइप के म्यूटेंट का जिक्र मिलता है जो कि आम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें दर्द तक महसूस नहीं होता है। एनीवेज, कहानी आगे बढ़ती है और हम व्यूअर्स क्रिस फ्लिन नामक इंसान को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था और वो अपनी एक मीटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया क्रॉस कर रहा था। रास्ते में किसी केमिकल एक्सीडेंट की वजह से जाम थी और क्रिस अपनी मीटिंग में लेट न होने के लिए एक दूसरा ऑफ रोड रास्ता पकड़ता है। इस रास्ते में उसे मेनर्ड नाम का इंसान मिलता है जो कि एक गैस स्टेशन का ओनर था और क्रिस उससे आगे का रास्ता पूछता है। मेनर थोड़ा अजीब था और वो क्रिस को ढंग से रास्ता नहीं बता रहा था। एनीवेज, क्रिस यहाँ से निकलता है और उसके कार की टक्कर एक दूसरे कार से हो जाती है जो कि रोड के बीचों बीच खड़ी थी। ये दूसरी कार एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की थी जो कि कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे थे और उनकी कार रोड के बीचों बीच इसीलिए थी क्योंकि उनके कार की टायर पंचर हो गई थी। इन स्टूडेंट्स का नाम था जैसे कार्ली, स्कॉट, इवेन और फ्रांसिन। ये पांचों क्रिस से मिलते हैं और जेसी बताती है कि किसी ने रोड पे कटीले वायर्स बिछा रखे थे जिसकी वजह से उनकी टायर पंचर हुई है। सभी मिलके डिसाइड करते हैं कि वो लोग मदद की तलाश में आगे पैदल जाएंगे और इनमें से दो लोग, इवान और फ्रांसिन, यहाँ रुककर उनके सामान की देखभाल करेंगे। तो इसके बाद हम इवान और फ्रांसिन को देखते हैं जो क्रिस के कार में सिगरेट वगैरह ढूंढ रहे थे और अचानक से इवान वहाँ से गायब हो जाता है। फ्रांसिन उसे ढूंढने की कोशिश करती है जहां उसे जंगलों में इवान के जूते और उसका कटा हुआ कान मिलता है। अब इससे पहले फ्रांसिन चीज़ों को सोक इन करती, कोई बड़ा सा म्यूटेंट फिगर फ्रांसिन के मुंह में ब्लेड वाले वायर्स डालकर उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ हम बाकी चार लोगों को देखते हैं जिन्हें जंगलों में एक छोटा सा घर दिखता है। वो लोग इस घर के अंदर मदद मांगने के इरादे से जाते हैं, लेकिन दोस्तों घर के अंदर उन्हें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स कटे हुए दिखते हैं।
इन चीजों को देखकर ये चारों यहां से भागने की सोचते हैं कि तभी वहां एक अनजान कार आती है जो कि क्रिस और इन स्टूडेंट्स के कार को टो करके इस जगह ले आई थी। कार के अंदर से तीन लोग निकलते हैं और वो लोग फ्रांसिन के लाश को अपने साथ लाए थे, विच मीन्स कि इन तीनों ने ही इवान और फ्रांसिन को जान से मारा है। क्रिस और तीन कॉलेज स्टूडेंट्स इसी घर में छुपे होते हैं और वो देखते हैं कि ये तीन अजीब से दिखने वाले लोग फ्रांसिन के लाश को कई टुकड़ों में काट डालते हैं और वो लोग फ्रांसिन के शरीर को कच्चा भी खा रहे थे। इन म्यूटेंट्स को हम थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई के नाम से जानेंगे, क्योंकि पहले के एक हाथ में सिर्फ तीन उंगलियाँ थी, दूसरे की दांत बहुत नुकीली थी और तीसरे के पास सिर्फ एक आँख थी। तो अगली सीन में हम देखते हैं कि ये म्यूटेंट सो चुके थे और इसी बात का फायदा उठाकर क्रिस और थ्री स्टूडेंट्स उनके घर से भागते हैं, लेकिन इस भगदड़ में इन म्यूटेंट्स की नींद खुल जाती है और वो अपनी गाड़ी से चारों का शिकार करने निकल चुके थे। तो ये चार सर्वाइवर्स भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कई कार्स लगी थी और ये कार्स उन लोगों की थी जो इन म्यूटेंट्स के प्रीवियस विक्टिम्स थे। शायद यही वजह है कि मूवी की शुरुआत में हम कई लोगों की मिसिंग पोस्टर्स देखते हैं, क्योंकि इस रास्ते में जो भी आता है उन्हें ये म्यूटेंट्स अपने ट्रैप में फंसाकर मार डालते हैं। तो जब ये चारों इन कार्स को देख रहे होते हैं तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये तीन म्यूटेंट्स यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से ये चारों एक बार फिर से फंस चुके थे। क्रिस उन्हें डेविएट करने की कोशिश करता है लेकिन सॉ टूथ अपने गन से क्रिस के पैर पर गोली मार देता है। अब इससे पहले ये लोग क्रिस को पकड़ लेते, स्कॉट दूसरी तरफ से इन्हें डेविएट करता है और ये तीनों म्यूटेंट स्कॉट को पकड़ने उसकी तरफ दौड़ते हैं। मीनवाइल जेसी और कार्ली क्रिस को रेस्क्यू करती है और ये लोग इन म्यूटेंट्स की ही गाड़ी चुराकर यहाँ से भागते हैं। अब इससे पहले ये तीनों स्कॉट को रास्ते में पिक कर पाते, वो म्यूटेंट स्कॉट को तीर से मार डालते हैं। इस दृश्य को देखकर तीनों यहाँ से गाड़ी चलाकर जंगलों में भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका रास्ता पेड़ पौधों से ब्लॉक था। बहरहाल तीनों पैदल ही चलने लगते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि म्यूटेंट्स ने जंगलों में कई ट्रैप्स लगा रखे हैं। एनीवेज तीनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें इस जंगल में वॉच टावर दिखता है। ये लोग तुरंत ही इस वॉच टावर में चढ़ जाते हैं जहां इन्हें एक रेडियो सेटअप दिखती है। जेसी और कार्ली इस रेडियो से कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी साइड पे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। मीनवाइल वो म्यूटेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और उनमें से एक इस वॉच टावर पे चढ़ने की कोशिश करता है। क्रिस टावर की डोर को एकदम लॉक कर दिया था जिसकी वजह से ये म्यूटेंट अंदर नहीं आ पा रहा था और इसीलिए ये म्यूटेंट इस टावर में आग लगा देता है। आग से बचने के लिए क्रिस, जेसी और कार्ली उस टावर से नीचे एक पेड़ पे कूदते हैं और ये लोग इस पेड़ की घनी शाखाओं के बीच छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान थ्री फिंगर कार्ली को ढूंढ लेता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के शक्ल पे वार कर देता है जिससे कार्ली की मौत हो जाती है। अब बचे थे तो सिर्फ जेसी और क्रिस और ये दोनों इन म्यूटेंट से किसी तरह लड़के और बच के यहाँ से भागते हैं। इन्हें रास्ते में एक केव मिलती है जिसके अंदर दोनों छिप जाते हैं और इसी केव में दोनों अपनी रात भी गुजारते हैं। तो अगले दिन क्रिस और जेसी इस केव से बाहर निकलते हैं जहां ये म्यूटेंट्स वापस इनके पीछे लग जाते हैं। क्रिस एक फॉल से नीचे गिरता है और वहां रास्ते में उसे एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार में दिखता है। अब इससे पहले क्रिस अपनी बात पुलिस को बता पाता, सॉ टूथ डायरेक्टली अपने तीर से पुलिस वाले की आंख में मारता है जिससे इस पुलिस वाले की यहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस भागकर वहीं आसपास छिप जाता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि म्यूटेंट पुलिस वाले की बॉडी को उठाकर उसकी कार को अपने साथ ले जाता है। क्रिस भी इस कार के नीचे लटक कर साथ में जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं इन म्यूटेंट्स के घर जहां इन म्यूटेंट्स ने जेसी को बांध कर रखा था। ये म्यूटेंट्स पुलिस वाले की बॉडी को अंदर लाकर काटने लगते हैं कि तभी इनके घर के दरवाजे में आग लगती है जो कि क्रिस ने बाहर से लगाया था। इसके बाद क्रिस एक कार को उनके घर के अंदर डायरेक्टली घुसा देता है और वो जेसी को जल्दी से आज़ाद करता है। फिर ये दोनों इन म्यूटेंट से किसी तरह लड़ के बाहर निकलते हैं और क्रिस उनके पूरे घर को ही उड़ा देता है। इसके बाद क्रिस और जेसी इन म्यूटेंट्स की गाड़ी लेकर यहाँ से भागते हुए उसी पेट्रोल पंप तक पहुँचते हैं जहाँ हमने मेनार्ड नाम के इंसान को देखा था। गाड़ी आता देख मेनार्ड अंदर छिप जाता है और क्रिस उस पंप से मैप लेकर वहाँ से जेसी के साथ निकल जाता है।
फाइनली क्रिस और जेसी सरवाइव कर चुके थे और रॉन्ग टर्न मूवी की पहली पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। इस फिल्म की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इन म्यूटेंट्स के जले हुए घर की छानबीन करने आए थे और अचानक हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो इस पुलिस वाले पे अटैक करके पागलों की तरह हंसता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बात तो साफ हो गई थी कि ये म्यूटेंट्स उस ब्लास्ट से किसी तरह बच निकले। तो दोस्तों यहां से शुरू होती है रॉन्ग टर्न की पार्ट टू और इस फिल्म का नाम है रॉन्ग टर्न डेड एंड, जिसे जो लिंच ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म सन 2007 में रिलीज हुई थी और ये मेरे हिसाब से पूरे रॉन्ग टर्न सीरीज की सबसे अच्छी मूवी है। IMDb पे पार्ट टू की रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 78% फ्रेश। तो पार्ट टू की शुरुआत में हम एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट किम्बरले कैल्डवेल को देखते हैं जो कि अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की लोकेशन ढूंढते हुए वेस्ट वर्जीनिया से ड्राइव कर रही थी। कार चलाते वक्त किम्बरली किसी इंसान को धक्का मार देती है और जब वो उस इंसान को चेक करने जाती है तो वो इंसान किम्बरली के लिप्स को काट लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक म्यूटेंट था और जैसे ही किम्बरली वहाँ से भागने की सोचती है, थ्री फिंगर वहाँ आकर उसके शरीर को एक कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालता है। फिर हम थ्री फिंगर और ब्रदर को किम्बरली की आधी आधी शरीर घसीट कर ले जाते देखते हैं। तो अगली सीन में हम US मरीन कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं जो कि एक सर्वाइवल रियलिटी शो होस्ट कर रहे थे और इस शो का नाम था द एपोकलिप्स अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट। ये शो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में शूट होने वाली थी और इस शो के कंटेस्टेंट्स थे मॉडल एलेना, स्केटबोर्डर जॉनसी, इराक वेटरन एम्बर, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, गॉथ नीना और किम्बरली कार्डवेल। अब चूंकि किम्बरली ऑलरेडी म्यूटेंट्स द्वारा मारी जा चुकी थी, वो इस शो के लोकेशन से गायब थी और उसकी जगह शो की प्रोड्यूसर मारा ले लेती है। मारा का बॉयफ्रेंड इस शो का एडिटर था, उसे लोग एम नाम से बुला रहे थे। तो दोस्तों ये फालतू गेम शुरू होती है जिसकी रूल समझाना आई डोंट थिंक इज इम्पॉर्टेंट। बस आप ये जान लो कि ये 6 प्लेयर्स 3 टीम्स में डिवाइड होते हैं जिसमें हर टीम में 2-2 प्लेयर्स थे। इसी दौरान हम व्यूअर्स देखते हैं कि थ्री फिंगर एक नील नाम के इंसान को मार देता है जो कि टीवी क्रू का हिस्सा था। दूसरी तरफ कर्नल डेल गेम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे जब थ्री फिंगर और एक दूसरा म्यूटेंट पा डेल पे अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। अब दोस्तों इन तीन टीमों में से एक टीम एलेना और जेक की थी एंड एडिटर एम इन दोनों को सेक्सुअल सीन्स देने के लिए बोलता है ताकि शो की TRP ज़्यादा हो। जेक ऐसा कुछ करने से साफ मना करता है जिससे एलेना वॉज क्वाइट पिस्ड। एलेना को इस शो में सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए था और चूंकि शो का एडिटर एम था, वो एम को सेक्सुअली ब्राइब करती है ताकि वो उसे सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे। मीनवाइल जब एम और एलेना सेक्सुअली इन्वॉल्व थे, एम की गर्लफ्रेंड मारा इन दोनों को ये सब करते देख लेती है जिससे उसे बहुत दुख होता है। मारा और नीना एक टीम में थी और वो दोनों जंगलों में चलते हुए इन म्यूटेंट्स के घर तक पहुंच जाती है। जब ये दोनों उस घर के अंदर जाती है तो उन्हें वहां एक फीमेल म्यूटेंट माँ दिखती है जो कि एक अजीब से म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है। माँ की एक बेटी थी और वो इन दोनों को देख लेती है जिसके परिणाम अनुसार मारा और नीना को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अचानक हम व्यूअर्स देखते हैं कि मारा के सर पे एक कुल्हाड़ी आकर लगती है जिसे पा ने फेंका था और इस हमले से मारा की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम एलेना को सनबाथ लेते देखते हैं जहां सिस्टम म्यूटेंट आकर उस पर हमला करते हुए उसे जान से मार देती है। इतना ही नहीं, माँ और पा एम के RV ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं और वो उस पर हमला भी कर देते हैं। हम व्यूअर्स यहाँ एक और सीन देखते हैं जहां कर्नल डेल किसी तरह से खुद को आज़ाद करते हैं और उनकी लड़ाई होती है थ्री फिंगर से। इस हाथापाई में डेल थ्री फिंगर को शॉटगन से उड़ा कर वहां से भागते हैं। तो इसके बाद सीन आती है जेक, एम्बर और जोनसी की, जिन्हें इन म्यूटेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था और वो आराम से मज़े में मीट खा रहे थे जो कि उन्हें इसी जंगल में पकते हुए दिखी थी। तभी वहाँ नीना आती है और वो उन्हें इन म्यूटेंट्स के प्रेजेंस के बारे में बताती है। इन बातों के दौरान जेक रियलाइज करता है कि ये लोग शायद किम्बरली की टांग खा रहे थे एंड दैट वॉज रियली डिस्गस्टिंग। इस बात का पता लगते जेक, एम्बर, जॉन से और नीना यहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ हम कर्नल डेल को देखते हैं जिन्हें मेनार्ड एक केबिन में मिलता है।
दोस्तों मेनार्ड वही है जो कि रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में पेट्रोल पंप का ओनर था। मेनार्ड कर्नल को बताता है कि आज से 30 साल पहले इस एरिया में एक पेपर मिल हुआ करता था जिसकी केमिकल्स बहुत ही हानिकारक थी। यहाँ आसपास रह रहे सभी फैमिलीज ने इस जगह को छोड़ दिया सिवाय एक की, और उनमें इन केमिकल्स की वजह से म्यूटेशन हो गया। उनके बच्चे बहुत ही बदसूरत हो गए, लेकिन उनके अंदर इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकत आ गई। ये म्यूटेंट्स आपस में ही ब्रीड करने लगे और इनकी नेक्स्ट जनरेशन में और भी ज़्यादा म्यूटिज्म हुआ। बातचीत के दौरान मेनार्ड धीरे से रिवील करता है कि वही उन म्यूटेंट्स का बाप है, और ऐसा कहते हुए वो कर्नल पे हमला कर देता है। कर्नल फौरन मेनार्ड से बचते हैं और वो पास में रखे डायनामाइट की मदद से मेनार्ड के शरीर के चीथड़े उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ हम चार बचे हुए कंटेस्टेंट्स को देखते हैं और उनकी मुलाकात हो जाती है ब्रदर एंड सिस्टर से। ये लोग इन म्यूटेंट से लड़ने लगते हैं और हम व्यूज देख पाते हैं कि नीना अलग दिशा में भागती है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। जेक नीना को खोजते हुए उसे गड्ढे से निकालता है और वो दोनों सिस्टर से बचने के लिए रिवर में कूद जाते हैं। एम्बर एंड जॉन से वे नॉट दैट लकी क्योंकि वो लोग इन म्यूटेंट्स के द्वारा बिछाए हुए ट्रैप्स में फंस जाते हैं। ब्रदर और पा उन दोनों को एरो से उनके हेड में शूट कर देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो इसके बाद हम नीना और जेक को एक मिल के अंदर जाते देखते हैं जहां उन्हें एक गैराज दिखता है। इस गैराज के अंदर ढेर सारी गाड़ियां थी और ये गाड़ियां शायद इन म्यूटेंट्स के पुराने विक्टिम्स की थी। इन दोनों को यहाँ एम की वैन मिलती है जिसके अंदर एक मॉनिटर था और उन्हें इस मॉनिटर पे एक क्लिप दिखती है। इस क्लिप में माँ एम को लाइव काट रही थी एंड इट वॉज अ ट्रैप क्योंकि वहाँ पा आता है और वो इन दोनों को कैप्चर कर लेता है। हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये मिल ही इन म्यूटेंट्स का नया घर है और ये म्यूटेंट्स जेक और नीना को बार्ब्ड वायर से बांध देते हैं। एंड देन हम व्यूअर्स इन म्यूटेंट्स की पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं जहाँ ब्रदर एंड सिस्टर नीना को छेड़ रहे थे और उसे फोर्स फीड कर रहे थे। मीनवाइल कर्नल डेल इस मिल के अंदर आते हैं और वो इन म्यूटेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कर्नल ने एरोज पे डायनामाइट स्टिक बांध रखा था जिसकी मदद से वो ब्रदर और सिस्टर को जान से मार डालते हैं। वो फौरन ही नीना और जेक को आज़ाद कराते हैं, लेकिन जब ये तीनों यहाँ से भागते हैं माँ और पा कर्नल को एरोज से मार गिराते हैं। यहाँ हम व्यूज देख पाते हैं कि माँ और पा अपने बच्चों की मौत से एकदम नाराज थे और वो इसका बदला अपने बचे हुए विक्टिम से लेना चाहते थे। तो दोस्तों इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो कि बचकर इस मिल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन जेक काइंड ऑफ खो गया था और वो इसी मिल के एक कमरे में फंस गया था। ठीक इसी कमरे में माँ और पा आते हैं और वो जेक पे हमला कर देते हैं। अब इससे पहले वो दोनों जेक को मार पाते नीना वहाँ आती है और वो माँ और पा को ट्री डिबाकर के मशीन में धक्का दे देती है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद नीना और जेक किम्बर्ली की कार को ढूंढते हैं और वो लोग यहाँ से ड्राइव करते हुए भाग जाते हैं। हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि शायद सारे म्यूटेंट्स मारे गए हैं, लेकिन दोस्तों थ्री फिंगर उस शॉटगन अटैक को सरवाइव कर गया था और वो माँ और पा के डिफॉर्म्ड बेबी को एक इंसानी उंगली खिला रहा था। रॉन्ग टर्न मूवी की पार्ट टू यहीं पे ख़त्म हो जाती है, विच ब्रिंग्स अस टू द पार्ट थ्री ऑफ दिस मूवी। रॉन्ग टर्न मूवी की पार्ट थ्री का नाम है रॉन्ग टर्न लेफ्ट फॉर डेड और ये फिल्म सन 2009 में रिलीज हुई थी जिसे डेक्लन ओब्रायन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 4.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट हैज़ गॉट ओनली 26%, वो भी ऑडियंस स्कोर। जिस तरह पार्ट टू रॉन्ग टर्न सीरीज की सबसे अच्छी मूवी है, ठीक उसके विपरीत तरीके से रॉन्ग टर्न पार्ट थ्री इस सीरीज की सबसे खराब मूवी है, या मे बी पार्ट सिक्स भी पार्ट थ्री को सबसे वाहियात होने की रेस में टक्कर देगी। यही वजह है कि मैं पार्ट थ्री की स्टोरी की डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। मूवी की प्लॉट एकदम सिंपल है जहां कुछ प्रिजनर्स को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफ़र किया जा रहा था और उनकी ट्रक थ्री फिंगर के ट्रक से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद सारे प्रिजनर्स इस जंगल को पैदल पार करने लगते हैं। एज यूजुअल उन पे थ्री फिंगर के द्वारा अटैक होता है और हम इस फिल्म में थ्री टोज को भी देखते हैं जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू यानी भतीजा था। कहानी में एक ट्विस्ट ये थी कि इस ट्रक में ढेर सारे पैसे भी थे और ये प्रिजनर्स इन पैसों को चुराते हुए जंगल से सेफ निकलना चाहते थे। इस फिल्म में हम देखते हैं कि नेट नाम का बंदा थ्री फिंगर को एक मीट हुक से मारकर एक एक्सप्लोडिंग कार पे फेंक देता है और शायद दिस वॉज द एंड ऑफ थ्री फिंगर। लाइक एवरी रॉन्ग टर्न मूवी, यहाँ भी सिर्फ दो लोग सर्वाइव करते हैं जिनमें एक लड़का था और एक लड़की, और इनका नाम नेट और एलेक्स था।
मूवी के एंडिंग सीन में हम नेट को इस जंगल में वापस लौटते देखते हैं क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, लेकिन नेट को पीछे से ब्रैंडन शूट करके मार डालता है। ब्रैंडन भी वो पैसा ले नहीं पाता है क्योंकि हमें वहाँ एक म्यूटेंट दिखता है जो कि ब्रैंडन को एक क्रूड क्लब से जान से मार डालता है। ये म्यूटेंट शायद थ्री फिंगर ही होगा, बट ये बात मूवी में क्लियर नहीं करी गई है। अब दोस्तों, मैंने जानबूझकर पार्ट थ्री को इतने शॉर्ट में बताया है क्योंकि ट्रस्ट मी, ये फिल्म देखने लायक नहीं थी तो सुनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये म्यूटेंट्स पहले कैसे रहे होंगे और इनकी हिस्ट्री क्या है। इन सवालों का जवाब हमें रॉन्ग टर्न मूवी की पार्ट फोर और पार्ट फाइव में दिया गया है, जिसकी वीडियो आपको घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उनकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल रखा है और आप इन म्यूटेंट्स की हिस्ट्री और रॉन्ग टर्न सीरीज की प्रीक्वल की कहानी वहां जाकर देख सकते हैं। अब आप उनकी वीडियो जाकर देखेंगे तो लगे हाथों उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसे कॉन्टेंट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार दोस्तों शब्द को बोला है, इंक्लूडिंग दिस वन। आप अपने जवाब हमें कमेंट्स या ईमेल में नहीं बल्कि हमारे हॉन्टिंग ट्यूब ऐप को डाउनलोड करके उसके सजेशन बॉक्स द्वारा दीजिए, क्योंकि जो भी इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे मैं व्हाट्सएप कॉल करूँगा। मेक श्योर कि सजेशन बॉक्स में आप अपनी ईमेल एड्रेस सही से टाइप करेंगे, क्योंकि वहीं से मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।